अज हर एक इंसान को अपना भूष वेखण का बहुत ज़्यादा शौक है। हर एक इंसान कहने समय के साड़ी साइंस को इतों तक कि अगले समय बाद चल गया तो 10 साल बाद की होएगा, 20 साल बाद की होएगा, 50 साल बाद की होगी। इतों तक कुछ लोगों ने भी लिखा कि अब तो 100 साल बाद की होएगा। अभी भी सब आने वाले दिन के बारे जानना चाहते हैं कि अगले साल की होगा, उनको अगले साल की होगा। हर कोई बंदा जो अपने कुछ होने के अंदर रहता पर मैं चाहना कि मैसेज हिंदी च हो ताकि भी तेने समझ सकन। आज हम लोग सीख रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा। आप लोग इस टॉपिक को लिखना चाहिए, भविष्य में क्या होगा। तो हर इंसान का चिंतन है इस विषय को लेकर कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता सोचने लगते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा, इसका भविष्य कैसा होना चाहिए। तो हम 20-25 साल के प्राणी को घर पे कर देते हैं और हमारी साइंस तो 100 साल के बाद भी, 200 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा, कैसे लगेंगे लोग, लोगों के चेहरे में क्या बदलाव होगा, शरीर में क्या बदलाव होगा। तो हर कोई इंसान आज चिंतित है कि आने वाले समय कैसे होंगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया था वो सबसे पहले बहुत बड़ा सत्य है कि आज जो हो रहा है ये हमें जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बता दिया था के अंत समय फ्यूचर में क्या होने वाला, भविष्य में क्या होने वाला। तो आज जो कुछ भी हो रहा है, चाहे लोग मर रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग ऑक्सीजन की वजह से बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। पता है किसी को? ऑक्सीजन की वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कमी क्यों आई? परमेश्वर ने किया सब नहीं किया। परमेश्वर ने इंसान को पेड़ दे दिए, पौधे दिए, अच्छे लगाने के लिए इंसान ने सब पौधों को काट दिया। पहले हम देखते थे जो खेत होते ना, खेत तो खेत के अंदर बहुत सारे पेड़ होते थे। लेकिन शैतान है बहुत चला गया, वो क्या करेगा, थोड़ा सा लालच दे देगा और हम पौधों को काट देंगे। तो शैतान ने किसान के दिमाग में एक लालच दे दिया, यहाँ ये पौधा होता है उतनी जमीन के ऊपर तुम्हारी गेहूं चाहे धान नहीं हो तो इसको क्या करो, काट दो। तो कितना गेहूं मिलेगा उसको? थोड़ा ही मिलेगा, 2-4 किलो 5 किलो में। लेकिन उसके लिए उसने अपने ही बच्चों का भविष्य है वो खतरे में डाल दिया। तो ये हमारी गलती है, परमेश्वर की नहीं। और ये सब चीजें आपने देखी होगी, मैंने देखी है, मेरे बचपन से हम देखते थे। हमारे वहां जितने खेत थे सबके अंदर बहुत ज्यादा पेड़ होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सब आप देखो पूरा इधर से दूर तक दिखाई देता है। पहले यहाँ अमृतसर जाते समय बहुत रोड के साइड में बहुत पेड़ होते थे, वो सब काट दिए गए। आज घर के अंदर लोगों को एसी लगवाना होता है ना तो दीवार तोड़ के लगवाएंगे, होता है ऐसे। लेकिन नीचे फर्श तोड़ने के एक पेड़ पौधा नहीं ले रहे, फर्श तोड़ने में प्रॉब्लम है, लेकिन दीवार तोड़ के डुप्लीकेट हवा उनको चाहिए वो ज्यादा जरूरी। हालेलुया। तो भविष्य में क्या होगा प्रभु ने पहले से बता के रखा है। ये महामारियां कैसे आएंगी प्रभु ने पहले से बता दिया था। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। 99% लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। प्रभु के ऊपर विश्वास, प्रभु के ऊपर ही भरोसा रखना। वो भाई बता रहे थे कि कैसे उनके पिताजी ने हॉस्पिटल में जाके बोल दिया कि मेरा बेटा जीवित है, मेरा बेटा जिंदा है। हॉस्पिटल वाले उनका मजाक उड़ा रहे थे, ये पागल हो गया। हमारे परमेश्वर ने क्या कहा हमें वो याद होना चाहिए। आइए हम वचन पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 21 अध्याय। याद रखें प्रभु आपको आने वाले समय के बारे में पहले से बताते हैं, लेकिन हम याद नहीं रखते। और आजकल की कलीसिया तो ऐसी हो गई है कि उनको कुछ भी नहीं पता है। 21:7 से हम पढ़ेंगे। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बहुत उतावली थी उस समय में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे जो समय आएगा उसमें क्या होने वाला है।
तो हर किसी को यह जानने का हक होता है कि हम पूछे, लेकिन पूछने का तरीका भी ये होना चाहिए कि हमें जानना क्या है। तो यहां पे जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ये बताओ कि ये जो बातें हैं जो आपने पहले से बताई ये कब होंगी, क्योंकि चेले तो प्रभु को बड़ी बड़ी इमारतें दिखा रहे थे, प्रभु देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, कितनी बड़ी इमारतें हैं, सब कुछ बता रहे थे, लेकिन प्रभु को वो पूछना चाहिए था जो सही में होने वाला था। आज भी लोग क्या दिखाते हैं सबके सामने, मैं चर्च में जा रहा हूं, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन हमारा फ्यूचर स्वर्ग में राज्य में है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता। आज आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन आपका कोई एड्रेस है कि आप स्वर्ग राज्य में जा पाओगे, कोई वहां का पता है? नहीं पता। बहुत से लोग हैं जिनके पास ये पता नहीं है कि हमें जाना कहां पे है। ये चर्च में आने के लिए आपको यहां का एड्रेस चाहिए जरूर के ये चर्च कहां पे लगता है, हमें वहां पे पहुंचना है। लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भविष्य में क्या होगा आपको कैसे पता चलेगा? अभी हो सकता है 2-4 साल में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की कल हो जाए, परसों हो जाए, 1 साल में, 6 महीने में, तो कैसे पता चलेगा आप लोग कहाँ पे हो? तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हमें भविष्य जानने की बहुत इच्छा होती है, आगे क्या होगा ये सबको जानना चाहिए, क्या होने वाला है। 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है और बहुत बार ये बोला जाता है, जैसे अभी वैक्सीन लग रही है तो कुछ लोगों ने ये भी प्रचार किया कि ये 666 नंबर की मोहर है वो लगाई जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत से लोगों ने ये प्रचार भी किया कि अभी जो वैक्सीन लोगों को लग रही नहीं, जो वैक्सीन लग रही है वो यहाँ पे लग रही है। कहाँ पे लग रही है? कंधे पे। लेकिन जो मोहर लगेगी वो आपके यहाँ पे हाथ पे इधर लगेगी, चाहे यहाँ पे चाहे आपके माथे पे, तो ये अभी वो समय नहीं है, लेकिन वो समय जल्दी आ जाएगा। हो सकता है 2030 तक ये समय आ जाए, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जैसे हालात है उस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह का आना जल्दी हो सकता है। तो आप पैसे के पीछे मत भागो, भागना तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो। प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहे, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के चेले पूछ रहे थे कि हे गुरु ये बातें कब होंगी और अगर ये होने लगेंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंत समय आ चुका है, कैसे पता चलेगा? मत्ती की इंजील 24 अध्याय के 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई थी जब चेले ये बातें पूछ रहे थे कि जगत के अंत का चिन्ह क्या है, कैसे पता चलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। क्या बताया प्रभु ने? ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है ये पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा, पूरी दुनिया में एक एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब तक वो सुन नहीं लेता तब तक अंत नहीं है। और अभी भी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 60 देश ऐसे हैं जहां पे अभी तक प्रचार नहीं हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट बैन करके रखा है, बाइबल बोलते कि हमारे देश में नहीं आना चाहिए। बहुत से ऐसे देश है जहां पे बाइबल को बैन कर दिया कि आप अंदर नहीं लेके जा सकते, लेकिन उनके आने के चिन्ह है वो नजदीक हो रहे हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट भी पूरे वर्ल्ड में एक नया कानून बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके पूरे वर्ल्ड की एक ही व्यवस्था, एक ही कानून होगा, एक ही कानून पूरी दुनिया में, एक ही कानून होगा। वो कानून वही 666 का है। तो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुछ बताया, उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। तो याद रखें, आज सबसे पहले ये याद रखें, आज बहुत से लोग हैं जो भरमाए जा रहे हैं, चौकस रहो भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से, एक आदमी नहीं आएगा,
बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और यह कि समय निकट आ पहुंचा, तुम उनके पीछे ना चले जाना। बहुत से किसके नाम से आएंगे? प्रभु यीशु की एक बात कही कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। क्या बताया प्रभु यीशु जी ने? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। लेकिन आज जो भविष्यवक्ता बन बैठे हैं वो प्रभु के नाम से नहीं बताते किसी को, वो अपना नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखते हैं? अपना नाम लिखेंगे। ये वो मिनिस्ट्री अपने नाम से, मान लीजिए वो भाई को जेंट है तो क्या लिखेगा? क्या लिखेगा वो जेंट? कौन सी मिनिस्ट्री लिखेगा? गोजेंट मसीह मिनिस्ट्री। मतलब किसकी सेवा है ये? प्रभु की नहीं है, किसकी है? तो किसकी होगी फिर सेवा? प्रभु की। साबा मसीह मिनिस्ट्री ऐसे लिखा होता ना आजकल। तो प्रभु ने बताया मेरे नाम से, वो लोग खुद को परमेश्वर बताएंगे कि मेरे सेवा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने बताया तुम भरमाए मत जाओ, बहुत से लोग आएंगे। आज वो समय आ चुका है जब लोगों को गलत प्रचार किया जा रहा है। ये हम चिन्ह शुरू हो चुके हैं। बहुत से लोग दुनिया में आ चुके हैं, यहां तक कि चाइना ने तो एक डुप्लीकेट प्रभु यीशु मसीह भी बना दिया। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह दुनिया में आ चुके हैं, एक औरत के रूप में वो जन्म ले चुके हैं। तो परमेश्वर कोई औरत नहीं। इसीलिए देखो शैतान कैसे इस्तेमाल करता है। आपको पता प्रचार आपने अगर सुनते हैं बहुत से लोग तो उसमें बोलते हैं बाइबल बताती है, बाइबल बताती है। क्या बोलते हैं लोग? ये सही नहीं है, बाइबल बताती नहीं, कोई लेडीज नहीं है, वो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है। तो शैतान ऐसे ऐसे लोगों को भरमा भरमा के हर किसी आदमी के मुंह में यही शब्द डाल रहा है कि बाइबल बताती है। अब पढ़कर देखें जितने भी बड़े नबी उन्होंने क्या लिखा। यहोवा यूं कहता है, कैसे लिखा उन्होंने? यहोवा यूं कहती है, ऐसे लिखा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा का वचन पहुंचा। हाँ, यहोवा का जो वादा वाक्य। लेकिन शैतान ने लोगों को भरमाना शुरू कर दिया कि आप वो चाइना वालों ने एक लेडीज को खड़ा किया, बोले ये यीशु मसीह है। इंग्लैंड में भी पहले एक बार एक आदमी लंबे बाल रख के वो बताया गया ये यीशु मसीह है, वो दुनिया में आ चुका है। अब जो तो आप याद रखें इज़राइल के अंदर भी डेविड बैन करके, बैन मतलब होता है पुत्र, डेविड बैन करके एक आदमी है। और इज़राइल के जो रबी गुरु को जो धार्मिक गुरु है उन्होंने बताया कि दाऊद के वंश से है और जो मसीह आने वाला यही है। आप डेविड बैन करके लिखोगे गूगल पे तो आपको बताएंगे। बैन मतलब पुत्र, डेविड मतलब जो दाऊद था उसका पुत्र, उसके वंश से आने वाला। और वो आदमी अभी उनको दुनिया के सामने नहीं दिखाया गया, उनके बारे में पता नहीं क्या गया, लेकिन एक दिन वो बताएंगे कि मसीहा दुनिया में आ चुका है। इसराइल के अंदर से भी एक मसीहा आने वाला दोबारा से। अंत समय के चिन्ह बहुत से मेरे नाम से आएंगे। यहूदी लोग भी अभी तक ये नहीं समझे कि यीशु मसीह आ चुका है, वो भी इस बात को लेकर भी वो डेविड बैन को लेकर बैठे हुए कि यीशु मसीह ने अभी जन्म ले लिया, जो मसीहा आने वाला था वो अभी आया। अब हो सकता है 2-4 महीने के अंदर उसको पूरी दुनिया के अंदर वो अनाउंसमेंट करेंगे कि ये देखो जो मसीह आने वाला था वो आ चुका, क्योंकि उसको एक राजा बनाया जा रहा है। हालेलुया, ये अंत समय के चिन्ह है। अभी ब्लेस ब्लेस का फायर फायर का समय नहीं है, अभी ज्ञान का समय। याद रखें 3 मई से फिर बोल रहे हैं लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। अब वो 60-11 में पहले से भविष्य में क्या होगा बताया गया,
क्या लिखा था वहां से मोहनदास गांधी का नाम पता किसी को? पढ़े कोई भी बाइबल तभी भी नहीं खोलोगे आप, तभी मेरे मुंह को देखोगे तो यीशु मसीह आ जाएगा, किसको देखो? प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तब किसको देखोगे? तब भी ऐसे आप लोग पास्टर के ऊपर भरोसा करोगे, हाँ ये बोल रहा है तो ये सही होगा। आप खुद जांचना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस चीज की कमी होने वाली है, और ये कमी तो हो चुकी है। आज वो कमी आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे आ रही है। क्या लिखा वहां पे? परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, मतलब आ चुके हैं, देखो ऐसे दिन आ चुके हैं। ये मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। प्रभु के वचन में ये पहले से लिखा गया, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं, वो तब लिखा गया, लेकिन आज ये दिन आ चुके हैं। भविष्य में क्या होगा प्रभु ने पहले से हमको बता के रखा है, ऐसे दिन आ चुके हैं। क्या होगा तब दिन आएंगे? तो जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा, तो कितना महंगा हो चुका अभी तक सब कुछ हो चुका है, तो ये समय के चिन्ह है। आज हर चीज आपको महंगी मिल रही है, हर एक चीज, वही चीज आप पहले 10-20 में ले रहे थे 50 में है, जो 50 की थी वो 70-80 में है, जो 70-80 की थी वो 100 में पहुंच गई। तो हमें समझना चाहिए, प्रभु ने बताया कि मैं महंगी करूंगा और क्या होगा उसमें, ना तो अन्न की भूख। हाँ याद रखें, महंगा सब कुछ होगा लेकिन आप भूखे मरोगे नहीं। ऐसा नहीं लिखा गया भूख से मरोगे, लिखा है नहीं आपको खाना भी मिलेगा। महंगा सब कुछ हो जाएगा, आपको खाना भी मिलेगा और आगे और ना पानी की प्यास होगी, और पानी भी आपको मिलेगा। पर कौन सी चीज आपको नहीं मिलेगी? परमेश्वर के वचन की भूख प्यास होगी, ये नहीं मिलेगा। इसीलिए सैटरडे संडे लॉकडाउन कर दिया, तो हमने सोचा फ्राइडे को मीटिंग करके प्रभु का वचन लागू होगा। तो आप देखोगे तो झुके नबी होगी, एक पहचान होगी, वो क्या करेंगे? अभी आने वाले दिन में और पहले से भी चल रहा है, वो पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर को देंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि हमें इसमें पैसा भेज दें। ये सब कुछ आप हो रहे थे, उनको आपकी चिंता नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है कि हमारे पेटीएम पे, फोन पे में, हमारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चिन्ह है हमारे लिए कि कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं मिलेगा किसी को। अब वचन के लिए तरसोगे एक दिन, और यह समय आ चुका है, आ चुका है। लोगों के पास वचन नहीं है, 90% लोग पहले से वचन से बाहर जा चुके हैं, और जो 10% है भी वो भी याद नहीं रखते। अब याद रखिए, जितने लोग चर्च में जा रहे हैं, 10,000 की भीड़ है, 1,00,000 की भीड़ है, वो सभी स्वर्ग में, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। चाहे आप लोग यहाँ पे जितने बैठे सभी नहीं जाएंगे, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चलते हो प्रभु के साथ। बाइबल के अनुसार कलीसिया के अंदर से एक कलीसिया निकलेगी जो स्वर्ग राज्य के लिए उठाई गई। वचन मिलेगा ना, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए तो आप लोगों में से चुने जाए। आप उस चुनाव में आना चाहिए कि मैं भी ऊपर जा सकता हूं, तो यहां के बैठने से नहीं। अभी तो मैं आपको जो बातें आगे बताने वाला हूं, तो मेरे ख्याल से अगर आपने आज सुनेगा तो दूसरे संडे को शायद चर्च भी छोड़ दोगे। यीशु मसीह के पीछे करना आसान नहीं है। मैंने इसलिए शुरू से किसी को ऐसे मीठे मीठे बोलियां नहीं दी। अभी समय आने वाला है कि लोग यीशु मसीह को छोड़ दें, आने वाला अभी। अब देखोगे खुद कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, हाथ खड़ा करो। हाँ हालेलुया। याद रखें, बहुत से झूठे मसीह आएंगे, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
आप एक दूसरे को बताएं खुद को तैयार करना चाहिए। बताएं अपने पास वाले को खुद को तैयार करना चाहिए। अगर आप खुद को तैयार नहीं करोगे तो जो झूठा भविष्यवक्ता आएगा वो आपको भरमाएगा। और क्या लिखा फिर लूका की इंजील में, वापस जाएंगे, जब तुम लड़ाइयां लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। अभी कितने झगड़े होते हैं, कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, तो प्रभु ने पहले से बताया जगह जगह पर लोग लड़ेंगे। आज ऐसा माहौल हमारे देश में बन चुका है, पिछले 15 दिन पहले एक पति और पत्नी रोड के बीच में खड़े हो गए, एक आदमी ने अपनी पत्नी को चाकू से मारा, लोग पास में से जा रहे मोटरसाइकिल लेके, पास में जो दुकानें हैं सब दोनों साइड को अपने दरवाजे बंद कर रहे, सिर्फ एक आदमी है और 30 बार उसने चाकू मारा, 30 बार उसको यहां और वही मर गए, किसी ने भी नहीं पूछा, यहां तक कि उस आदमी के ऊपर कोई भी एक्शन भी नहीं लिया। लोग दिन दहाड़े लोगों को मार रहे हैं। पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि एक लड़के को मारकर उसके घर में जाकर लोग बताया हमने मार दिया, जो होता कर। ये समय आगे ऐसे पता नहीं कितने लोगों को रोज मारा जा रहा है, रोज लोगों को मारा जा रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं। आप अपने घर के आसपास देखो, लोग रोज झगड़ा कर रहे हैं, ऊंचा ऊंचा आवाज से लोग रोज झगड़ा कर रहे हैं, रोज झगड़ा कर रहे हैं, देश देश के साथ झगड़े कर रहे हैं, एक एक, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर झगड़ा करता है, एक पार्टी बाजी दूसरी पार्टी के साथ झगड़ा कर रही है। जब तुम लड़ाइयां और बलवों की परमेश्वर ने बताया चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। जब बहुत ज्यादा झगड़े बढ़ जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर ने बताया घबराना नहीं, अभी अंत नहीं है। एक समय तो ऐसा आने वाला है कि जब आप रोड के ऊपर चलोगे तो रोड आपको ब्लैक ब्लैक नहीं रेड रेड दिखाई देगा, पूरा लाल खून से सना हुआ एकदम, हर जगह सिर्फ खून बहेगा, हर जगह खून होगा लोगों को, तब लोग चिल्ला उठेंगे परमेश्वर तू कब तक देखता रहेगा, क्यों नहीं आ रहा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत खून खराब होने वाला है, बहुत ज्यादा लोग मरेंगे। हालेलुया। इसको आप ये नहीं बोल सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपको एक बार में जब चेतावनी दे रहा हूं कि आप समझ जाए, आप समझ जाए, अगर स्वर्ग राज्य में जाना है तो ये सब सहना पड़ेगा, अगर लूसीफर के साथ डिनर करना है तो कोई बात नहीं, किसको करना है, करना है डिनर लंच कुछ भी लूसीफर के साथ, वो दिखाएगा सब अच्छा अच्छा, वो देगा क्या, देगा कुछ भी नहीं, देगा क्या आपको, आपका दरिया में डाल देगा, नदी में डाल देगा, फिर वहां पे खुद का चिकन बनेगा, खुद ही खा सकते हैं। हालेलुया। तंदूरी भी नहीं, तंदूरी से भी ज्यादा बढ़िया मिलेगा वहां पे। हालेलुया। 10 वचन में लिखा है, तब उसने कहा जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी, एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करेंगे, अटैक करेंगे उनको। तो आज के सेम हो रहा है, सेम हो रहा है, सारी जातियां मिलके मसीह लोगों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इनको खत्म करो, इनको खत्म करो, इनको खत्म करो, सभी कर रहे हैं। आज आप न्यूज उठाकर देखें कोई भी, तो सब लोग मसीह लोगों के पीछे पड़े हैं, किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप पढ़ना चाहिए, सब लोग टारगेट करते हैं मसीह लोगों को, इनको खत्म करो, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हम तो मन परिवर्तन कर रहे हैं, मन बदल गया तो आप सब जाति का ठिकानी बन सकते हो, अगर पहरावा बदल गया तो आप लूसीफर के साथ लंच डिनर कर सकते हो। हालेलुया। तो पहरावा बदलना मसीहत का काम नहीं है। और आगे क्या लिखा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, तो ये भी हो रहा है, बहुत बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं,
ਭਚਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲ ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪੜੇਗੀ। अकाल पड़ेंगे, लोग खाने के लिए भी कुछ जगह के ऊपर तरस रहे हैं, वहाँ उनको खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और महामारियां ये अभी लोग एक महामारी के अंदर जा रहे हैं। एक बात याद रखिए, मैंने शायद आज से 2 साल हो चुके, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा था कि पापा स्कूल में बता रहे थे कि ये धरती के ऊपर से पानी खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तो मैं रो दिया था उस दिन के सही में किस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है, तो मेरे बेटे के लिए मैंने क्या सोचा, आप लोगों ने कितना कंट्रोल किया रब से पानी के ऊपर, मेरी फैमिली के भी लोग नहीं कर रहे, मैं सच बोलता नहीं कर रहे, लेकिन मैं अकेले में करता हूँ, नहीं कर रहे, उनको फिक्र नहीं है, सब मेरी फैमिली को फिक्र नहीं है, लेकिन मैं मेरे घर में अकेले में छोड़ करता हूं। जब से मेरे बेटे ने मुझसे कहा, तब से मैंने मन में ठान लिया कि मैं मेरे हिस्से को तो बचाऊं। आज हम पेड़ काट काट के फेंक रहे, पानी बोतल में मिल जाएगा, अभी आपको हवा भी बोतल में मिलेगी, तो बच्चों को साथ में बैग में रख के बेटा ये दादा सर के बाद इसको लेते रहना। अगर आज भी आप नहीं समझ रहे ना, तो आपको कोई भी प्रचार करे आप ऐसे ही होंगे, परमेश्वर से भी आ जाएंगे तो बदलोगे। सबसे पहले घर पे जाके कम से कम पानी को बचाना शुरू करें आप। पौधे नहीं लगाओगे तो बारिश नहीं होगी, पानी भी नहीं आएगा, तो क्या छोड़ोगे अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के भविष्य की चिंता है ना, भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य में हवा भी आपके बच्चे बोतल में लेके जाएंगे। एक पीछे बड़ा सिलेंडर लगा होगा, मुंह पे ऐसा उपाय लगा के देंगे तो स्कूल में बैठ रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो भी खत्म, आपका बच्चा भी खत्म, ऑक्सीजन खत्म, ये भविष्य की चेतावनी है। ये अगर आज आप नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। अभी लॉकडाउन होगा तो आपको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको सिलेंडर बार बार के अंदर कर देगी आप, तो कहाँ से हवा आएगी। घर में जो एक पौधा होता तो लोग वो भी उखाड़ के फेंक देते। हालेलुया। महामारियां आने का कारण हम खुद हैं, परमेश्वर नहीं है, हम खुद हैं। अगर आज महामारी लोगों के ऊपर है तो परमेश्वर ने नहीं दे दिया, प्रभु ने कहा था आएंगी, लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है। जब परमेश्वर ने जोनाह को बोला कि नीनवे में जा, मैं उन लोगों को 40 दिन तक जिंदा देखूंगा, उसके बाद उनको क्या करूंगा, 40 दिन के बाद मार दूंगा, क्या मार दिया परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर की इच्छा लोगों को मारने में होती तो परमेश्वर जनाह को भेजता ही क्यों। प्रभु की इच्छा लोगों को मारने की नहीं, उनको बदलने की है। एक सिग्नल आप एक किसी सिटी के अंदर जाते हो तो सिग्नल वहां पे वो दिया जाता है, जब वो लाइट रेड होता है तो पुलिस का यह काम नहीं कि आप उसके अंदर जाके मर जाओ, वो किसने दिया आपको, आप उसको देख के समझना चाहिए, अगर आगे बढ़ूंगा तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यह लिखा गया कि महामारियां आएंगी तो क्यों आएंगी ये जानना था जरूरी। जैसे चेले पूछ रहे प्रभु ये सब कब होगा, आज हम भी यही सोचने लगे कब होगा कब होगा। आप क्या सोचना चाहिए और चेले क्या पूछना चाहिए पता है, प्रभु जब ये सब कुछ होगा तो हम क्या करें, हम खुद को कैसे तैयार करें, उस समय हमें क्या करना होगा, क्या आप तैयार हैं इस महामारी से लड़ने के लिए। नहीं, हम तो घर वालों से लड़ने के लिए, पड़ोसियों से लड़ने के लिए, एक लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो वाचा बाधी उसे भूल गए।
हालेलुया। याद रखें, बहुत से अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपने देखा ही नहीं है कि बुरा समय कैसे आता है। ये तो अच्छे दिन अभी भी सोच लो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये अच्छे दिन है। अभी बुरे दिन का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं है लोग, और बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो ऐसे इनकार करके भागेंगे। बहुत से नौजवान अभी भी ऐसे घूम रहे हैं। कल की बात बताता हूं, मुझे याद आ गया कि हमारी जवानी किस तरफ है। कल एक लड़की ने फोन किया मुझे, वो रेंजर से है, पता नहीं मुझे कौन है, जानता नहीं। हमने न्यू टेस्टामेंट बांटे थे कुछ समय पहले, उसने फोन किया वहां से नंबर लेके, तो मैंने बोला हाँ जी बताइए बहन जी। तो बोले कि मेरा बीएफ उससे उठ गया है, तो प्रार्थना करें मेरे से शादी करना चाहते। मैंने बोला आपको किसने बताया मैं ऐसी प्रेम करता हूं, किसने बताया? आपके जीवन के लिए मैं प्रेम करूंगा। मैंने प्रार्थना कर बताया कि अपने मां बाप की इज्जत का ख्याल करो, ये सब बीएफ जीएफ कुछ नहीं है, ये सब धोखा है, नाटक है। आपके मां बाप से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता दुनिया में, तो मां बाप की इज्जत का ख्याल नहीं। और मैंने बताया बहन जी बहुत से गर्व है जो करते होंगे, बहुत से ढोंगी लोग हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे भी आपको, लेकिन मैं नहीं करूंगा। किधर को जा रहे हैं हम लोग अभी? माँ बाप घर पे बैठे कुछ भी ख्याल नहीं बेटी के बारे में, बेटे के बारे में बड़े बड़े फोन लेके दे दिए, रात दिन लगे रहो बस इसी। बाद में लोगों को बताएंगे फिर दो दो महीने घर से बाहर निकलेंगे हमारी बेटी भाग गई। हालेलुया। आपके बच्चों का फ्यूचर आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ ये ना देखें कि 10 साल के बाद कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी। आजकल पता आपको सबसे ज्यादा स्मार्टफोन है, आपको पता है कौन है? हाँ कौन है, कौन है सबसे ज्यादा स्मार्ट? हाँ नहीं, हाँ आपके पास क्या है, इसका नाम क्या है, क्या बोलते इसको? हाँ तो इंसान क्या हो गया फिर? हाँ क्या हो गया इंसान क्या फिर? क्योंकि अंदर मुछा तो बढ़ गया नहीं है ना, फोन तो स्मार्ट हो गया, तो इंसान क्या हो गया फिर? तो इंसान फिर बेवकूफ हो गया ना, मूर्ख हो गया वो। अभी स्मार्ट हाउस भी बनने वाले हैं, अभी बल्ब भी आपको पता है स्मार्ट बल्ब आते हैं, आप अमृतसर बैठे हो वहां से बंद कर सकते हैं, पंखे आ गए कहीं से बंद कर सकते हैं, घर भी बन रहे हैं ऐसे देख लेंगे तो से बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। सब कुछ हम देखना चाहते हैं लेकिन खुद को कितना तैयार खुद के लिए? हमें ये पता है आज से 20 साल बाद ऐसा घर ऐसे घर बनेंगे, आज से 50 साल के बाद ये होगा, लेकिन ये नहीं पता कि आज से 20 साल के बाद मेरी बेटी क्या करेगी, आज से 20 साल के बाद मेरा बेटा क्या करेगा। तो बच्चों को सिखाते नहीं जब मां बाप, तो कैसे पता चले? याद रखिए जितने भी यहां पे जो जवान लड़कियां बैठे उनको सोचना चाहिए, अगर उनके दिमाग में ऐसे कीड़े घूमते हैं ना, तो आप लोगों की वजह से याद रखना, लोग बेटियां भी जन्म लेने से उनको पहले दुख होता है कि ये जन्म ना ले तो अच्छा है, उन्हें बदनामी कर पाएगी। हालेलुया हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अच्छा जीवन दे दिया, इसको परमेश्वर के लिए चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा आप प्रभु के सामने जाए। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे हम, महामारियां पढ़ेंगे और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश में भी चिन्ह प्रकट होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का समय था क्रूस के समय में,
उस समय भी बताया गया कि आकाश की शक्तियां हिलाई गई, अंधेरा हो गया था और बहुत सी चीज़ें चमकने लगी थी। आज भी याद रखो, बड़े बड़े आकाश में भयंकर बातें हो रही हैं, हमारा आकाश भी इधर उधर फैलता है, बड़े बड़े चिन्ह भी आपको दिखाई देंगे, अभी बहुत से काम होने वाले बाकी हैं। लेकिन एक ही बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि आने वाला समय है बहुत ही भयंकर, तो फ्यूचर में और भी बातें जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज अगर आपको देख के ये लगता है कि चर्च में जाने से सिर्फ बड़ी बड़ी आशीष मिलती है तो आप गलत जगह पे बैठे, क्योंकि चर्च में कोई शारीरिक आशीष के लिए नहीं, आत्मिक आशीष के लिए आना चाहिए। शरीर के लिए तो लोग बाहर भी काम करते हैं, उनके पास भी पैसा है, आत्मिक आशीष स्वर्ग राज्य में कैसे जा सकते हैं उसके लिए आना चाहिए। अभी अमेरिका ने एक चिप बना दिया है, वो जल्दी ही लोगों को लगना शुरू होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना से खत्म हो जाए, हो सकता अगर वो ट्रिपल सिक्स है तो आपके यहाँ हाथ पे चाहे यहाँ पे चाहे माथे पे लगे। कितने लोग लगवाने जाते हैं? हाँ जी, कोरोना खत्म हो चुका, कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना शुरू हो जाए। आप याद रखिए, वो जीव लगेगी, आप प्रकाशित वाक्य उसका 13:16-17 में जरूर एक बार देखना चाहिए। प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी, 13:16-17 उसने छोटे बड़े, याद रखो एक को नहीं लगेगी, ये छोटे भी बड़े भी, धनी कंगाल, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, स्वतंत्र दास चाहे कोई आजाद है चाहे कोई गुलाम है, सबके दाहिने हाथ जहां उनके माथे पर एक एक शाप करा दी, उनके हाथों के ऊपर नहीं तो उनके माथे के ऊपर एक एक शाप, मतलब वो चिन्ह, वो चिप उनके अंदर वो डाल दिया कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम जहां उसके नाम का अंक हो कोई अन्य लेन देन ना कर सके। अगर आप वो चिप नहीं लगवाओगे, वो चावल के दाने के बराबर आएगी, जैसे वो एक इंजेक्शन के जरिए आपके ऐसे लगा दी जाएगी। अगर आपने वो चिप नहीं लगवाया तो गवर्नमेंट आपको, आपके साथ कुछ भी लेन देन नहीं करेगी। आप अभी, आपको पता है हमारा आधार कार्ड हमारे गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया गया, पैन कार्ड के साथ जोड़ दिया गया, सब जगह पे तो आधार कार्ड आपका मेन एक आपकी पहचान है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, मेरा आधार मेरी पहचान। तो आपकी पहचान को जब जोड़ दिया हर चीज के साथ, आपकी यही पहचान है, आपको उसके बदले में एक नंबर दिया गया, एक नंबर दिया गया कि ये नंबर आपकी पहचान है, वैसे ही ये नंबर आपकी पहचान बनेगा 666। आपकी पहचान है 666, वो बनाए गए। तो जो लोग इस मोहर को नहीं लगवाएंगे, ये सबसे पहले स्कूल में शुरू होगी, ऑफिस में शुरू होगी जहां पे लोग काम करते हैं, तो स्कूल में आपको बताया जाएगा, आप अपने बच्चे को घर बैठ के देख सकते हो क्या कर रहे हैं, ऑफिस में जाएंगे, आपका मतलब कि आपकी पूरी आजादी उस चिप में कैद हो जाएगी, आप कुछ भी करोगे, याद रखिए कुछ भी करोगे तो अमेरिका में बैठकर उनको पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं मान लो, तो हम सबको चिप लगा लो, हमें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या सोचेंगे क्या करेंगे सब पता चलेगा। और यहां पर वो लगाना उनके लिए जरूरी है, वो शैतान लगवाएगा क्योंकि लेन देन बंद हो जाएगा, और वो समय जब आएगा तो आपको बाजार में से कुछ भी नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि चीज है 5 रुपए की और आपके पास वो चिप नहीं है, आपको देखेंगे वो ये लगा है तो आप बोलोगे नहीं, तो क्या होगा फिर, वो आपको बोलेंगे ठीक है बाहर जाओ, नहीं तो ये 50 रुपए का आप ये मोहर ले लिया तो आपके लिए 5 का है,
नहीं मिला तो 50 रुपए। इसीलिए आजकल आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, तो सब छोटी छोटी दुकानें क्या हो जाएगी, तो उनके अंदर पूरा सिस्टम लग जाएगा। आप अंदर जाओगे कैसे, आपको पूरा बायोडाटा वहां पे चेक होगा आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये सब जल्दी ही आ जाएंगे। धीरे धीरे हम उन्हीं उन्हीं चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मान लो आपने वो नहीं लिया तो फिर क्या होगा, आपको बहुत ही बुरी तरह से सताया जाएगा। आप मान लो आपकी ये उंगली है ऐसे रखी जाएगी और इसको जोर से मार के काट दिया जाएगा और बोलेंगे विष्णु जी को छोड़ दो, क्या करोगे आप, क्यों गलती अभी डर गई बोलेगा क्या बेहतर से बात है। हालेलुया, ये सच्चाई है। लेकिन ढोंगी लोग हैं ना तो आज भी चर्च के हारे को आराम से लेंगे। सबसे पहले याद रखें ये 666 की मोहर लेने वाले वही लोग हैं जो आज छोटा बड़ा हम कर रहे हैं, वो सबसे पहले ले। आप ये बात लिख के रखना चाहिए, अगर मेरे आपके सामने भी आप देखना चाहिए ये सच है, नहीं तो लेके छोड़कर अपने बच्चों को देखे जाइए कि ये बात इतनी तारीख को हमारी चर्च में पास्टर जी ने कही थी और ये पूरी होंगी। सबसे पहले मोहर वही होंगे जो आजकल यहाँ पे कहीं ऐसी बातें नहीं लिखी गई कि आपका बचाव होगा छोटा बड़ा भी बोलने से, फायर फायर बोलने से, ब्लेस ब्लेस, ऐसा नहीं। आपको वो सहना पड़ेगा, अगर आपने वो मोहर नहीं लिया तो गवर्नमेंट आपके साथ कुछ भी लेन देन नहीं करेगी। और दूसरी बात है आपके ऊपर सताव शुरू हो जाए, आपको खुश जाना है ना, खुश जाना है पता रोना के लिए समझ की हो ना, सुनी लो फिर ध्यान दान, रोना नहीं किसी ने रोना सुना जो मरना बाद से, तो क्या होगा आपको इनसे काटना शुरू करें। हो सकता है आपके बच्चे को आपके सामने पकड़ेंगे ऐसा बालों से पकड़ेंगे और बोलेंगे इसको मार देंगे यीशु मसीह को छोड़ो, क्या करोगे, ये होगा सच में होगा। अभी लोगों को लगता है चर्च में बोल जाने से आशीष मिलती है, प्रभु यीशु जी का जो चेला पदर था ना वो प्रभु के साथ साथ चला, लेकिन उसकी मृत्यु जब हुई तो उसके पांव पर और सिर नीचे और ऐसे हाथ करके उल्टा दूध उसको दिया, थोमा जहां पे प्रचार कर उसको तीरों से मारा गया, भाले से उसको फिर जहां पे मार के मार दिया, कुछ लोगों का ऐसा बीच में से काट दिया गया, ऐसे चल रहे घूमते थे उसके अंदर डाल के उनको घुमाया गया मार दिया। जो पहली की कलीसिया थी जब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पहली सदी की कलीसिया उनको ऐसा खड़ा करते थे, उनके ऊपर जो नैरो राजा था उस समय वो ऐसे कपड़े में बैठ के बहुत से लोगों को खड़ा करके वहां पे उनको आग लगा देते थे और उनके बीच में खड़े होकर बातें करते थे। हालेलुया, मसीहत का असली चेहरा ये है। तो आप ये सोच के चर्च में बात आइए कि बहुत पैसा मिल जाएगा वहां से, जैसे लोग बाहर बोलते हैं ना अरे मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और लोगों को पैसा देते हैं, पैसा नहीं भाई यहाँ पे मिलेगा नहीं पैसा, इसके लिए बात आई यहाँ पे पैसे के। हालेलुया, यहाँ पे आपको एक चीज जरूर मिले, क्या मिलेगा आपको, आप बोले अनंत जीवन, एक दूसरे को बताए आपको अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। अगर आपने वो मोहर ले लिया तो आप लूसीफर के साथ जीवन बिता सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया तो प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो किसके साथ बिताना आपको जीवन, प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो उसके लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। हालेलुया, आज भी
यीशु मसीह दे विच चलना फिर छोटे गल लै के नहीं करना है। मैं कई बार याद है करो क्या है कि मसीह कौम कि दलेरा दी कि दलेरी के मन नहीं आ कारे का मन कि जान दे सकते दलेरी रखो अपने अंदर मान लो ये सोच रहे हो ये मोर लवाली धरती का किसान का परिवार का कितों आ गया तेरे नाल आए तो फिर बोनस लिखना ना हम मिलेंगे हम कहां मिलेंगे हाँ स्वर्ग में मिलेंगे हम जे मोर अगर हम वो मोर नहीं लेते तो हम कहां मिलेंगे और अगर देरी का तो फिर हाँ कहाँ मिलेंगे मैं तो नहीं मिलूंगा हालेलुया। तो आप भी क्यों सोचते हो क्या हम नर्क में मिलेंगे भाई मैं क्यों मिलूं वहां पे हालेलुया। याद रखे इसको आपके लिए आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए आप खुद जिम्मेदार बने। हालेलुया। तो याद रखें जब आपको खाना नहीं मिलेगा एक बात और है आपको खाना नहीं मिल रहा पानी नहीं मिल रहा सब कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करोगे आप हाँ क्या करोगे आप प्रार्थना करेंगे क्या करेंगे प्रार्थना में प्रार्थना तो अभी नहीं करते बाद में कैसे आज किया वो प्रार्थना बाद में काम आएगा ना। याद रखिए जिस दिन ये काम मालूम के एक महीने के बाद ऐसा समय आ जाता है वो मोह लगना शुरू हो जाए तो जल्दी से घबराओ नहीं करना आपको याद करना चाहिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है। एक वचन पढ़िए इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसके 8 वचन में क्या लिखा है यीशु मसीह कल और आज और जुगन जुग एक सा है। यह वचन छोटा है लेकिन इसमें 3 बातें बता दी प्रभु यीशु मसीह कल भी जो समय बीत गया और आज भी जो आप जी रहे हैं और जुगो जुग तक जब तक ये दुनिया है वो कैसा है एक सा है तो कैसा है परमेश्वर दूत से जब लोग चले ना मिश्र से जब लोग निकले तो जो आटा वो भूखे रखे थे ना वो भी साथ में ले लिया किस लिए रास्ते में रोटी बना के खाई थी प्रभु ने थोड़े दिन में उतनी घुमा के उनको खत्म कर दिया। अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करने से कुछ नहीं होता वो घर में से सब कुछ लेके चले चलो थोड़ा सफर है तो अपने ही खाते पीते चले जाएंगे। तो प्रभु ने सोचा मेरे बारे में इनको कैसे पता चलेगा अरे तुम्हारे पास धोखा खा गया तो कल को क्या बोलेंगे हम तो खुद के काम पैसे से तो पहुंचे भाई तो यहोवा ने क्या किया तो परमेश्वर ने उनका सब पहले उन्हें समाप्ति किया और 40 साल तक वचन में लिखा है 40 साल तक स्वर्ग से क्या कर रहा था मन्ना गिर रहा था स्वर्गीय रोटी गिर रही 40 साल तक उनके पांव में जो पहने चप्पल थे जूते थे वो घिसे नहीं 40 साल तक उनके कपड़े भी वो फटे नहीं। आज का दिन भैन का सुन 2 महीने में खराब हो जाता जे कि वो समा आ गया 40 साल तक कहता है पा चलोगे वो खराब नहीं होगा। हालेलुया। 40 साल तक भी उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज की वो स्वर्ग से खाना खा रहे थे। अगर आज भी ऐसा समय आ गया तो अपने घर के अंदर एक रूम में जाइए घुटने टेकिए प्रभु के सामने परमेश्वर आपको वही आपके सामने स्वर्ग से आपके लिए बनाएगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं प्लेट धोने की जरूरत नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर आपके घर में खाना देगा। यहाँ पे मूसा ने सोचा इधर पानी नहीं है परमेश्वर ने क्या बोला इस पहाड़ को क्या करो पानी मांगो वहां से क्या मिलेगा तो घर के अंदर बैठ के बोलेगा ना प्रभु पानी चाहिए तो ये पृथ्वी किसकी है किसने बनाया इसको
वो आपको पानी भी देगा, खाना भी देगा, सब कुछ भी। पर जेडे लोग डरते पा चढ़ के ना हो बड़िया बड़िया होते लोग जो पूर्ण रखते फिर बाहर ही निकलते तो सोचो जो कुछ मिलना नहीं उदो उदो परमेश्वर का के नाल असली और नकली मसीह लोगों का पता तो चलेगा थोड़े समय नकली कौन से हैं असली कौन से अपने पास वाले को बताए नकली मसीह ना बने आप भी बुलाइए एक दूसरे को हाँ नकली मसीह ना बने डुप्लीकेट क्रिश्चियन परमेश्वर को पसंद नहीं तो डुप्लीकेट ना बने आज बहुत सी चीजें डुप्लीकेट आ गई आप देखते हैं ना शोरूम के बाहर जाएंगे तो वहां पे वो लगाए पुतले से लगा के रखते हैं स्टैचू उनके ऊपर कपड़े पहनाए होते हैं तो दूसरे देखने कभी कभी लगता है वहां पे भी खड़ा है तो सब कुछ डुप्लीकेट है वो जूस की दुकान पे जाओगे तो वहां पे नकली अंगूर सेब सब कुछ ऐसे लटका तो बहुत कुछ नकली हो गया लेकिन आप असली बने रहे तो परमेश्वर जुगो जुग तक एक जैसा है और आइए एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा अगर स्वर्ग में जाएंगे तो कैसे लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्या प्रकाश की पोथी 21 अध्याय उसके 7 वचन से पढ़ेंगे 7 और 8 वचन जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा यहां पर जो जय पाए हैं जो जय पाएंगे जो इस ऐसे महामारी के अंदर भी जो 666 की मोहर देने के समय भी जो जय प्राप्त करेंगे तो बोलेंगे हमें नहीं चाहिए थे वो जय प्राप्त करेंगे जो लेंगे वो नहीं और परमेश्वर उनका बोलता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा और क्या लिखा है परंतु डरपोकों जो डर जाएंगे याद रखे बहुत से लोग डर जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे वो मोहर ले लेंगे और सीधा नरक में चले जाएंगे डरपोकों अविश्वासियों और घिनौनों अविश्वासी जिनके अंदर विश्वास नहीं है घिनौनों हथियारों और व्यभिचारियों जो व्यभिचार में फंसे हैं अभी भी आप याद रखें आप शादी से पहले गलत संबंध बनाए चाहे शादी के बाद परमेश्वर की नजर में एक व्यभिचार है अगर आप उसी में आज भी फंसे हुए हैं तो यहां पे साफ लिख दिया गया है व्यभिचारियों टूना करने वाले जो जादूगरों के पास जा रहे हैं बहुत से लोग बाबा के पास जाते हैं जादूगरों के पास जाते हैं अब नष्ट हो जाओगे नरक की आग में चले जाओगे मूर्ति पूजक जो आप आज भी मूर्ति पूजा करते हैं और सब झूठों का कितने लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया हाँ यहां पे लिखा है भाई साहब आगे पढ़कर देख लीजिए क्या लिखा है और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है यह दूसरी मृत्यु है आग और गंधक की झील एक नदी जितने भी ऐसे काम करने वाले वो वहां पे मिलेंगे तो अगर आप जानते हैं कि आपके साथ कोई रहता है तो उनके अंदर सब चीजें तो आप भी वैसे तो आप उनको हाथ मिला के बोल सकते हैं हम एक साथ मिलेंगे बोल सकते हैं कि भाई आप और हम एक साथ मिलेंगे वहां कौन बोलना चाहता है कौन बोलना चाहता है कि वहां भी मिलेंगे कोई भी नहीं वाह इतनी साफ सुथरी कलीसिया प्रभु का धन्यवाद ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से आपको पूरे का पूरे बदलना है अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे एक वचन और पढ़ेंगे और इसी का 22 अध्याय का 14 और 15 वचन धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते याद रखें यह बहुत बड़ी बात है कि अपने वस्त्र को धो लेना जो गंदे काम हमने किए हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाना पड़ेगा यहां पर लिखा है धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि
उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, जीवन के पेड़ के पास उनको जाने का अधिकार मिल जाएगा। और कहां पर कुत्ते, ये देखो बाहर कौन कौन रह जाएंगे, यहां पे लिखा है पर कुत्ते। कुत्ते कौन है? ये जो बाहर घूमते हैं कुत्ते नहीं है, वो तो है, लेकिन यहां पे किसको, उन कुत्तों की बात नहीं की जो बाहर घूमते हैं। कुत्ते वो हैं जो कुत्तों के जैसे काम करते हैं। तो कुत्तों का काम कैसा होता है, एक बात याद रखिए, क्यों लिखा गया कि कुत्ते बाहर रहेंगे, है ना? कुछ लोग सोचते होंगे अरे ये कुत्ते बेचारे जाएंगे नहीं स्वर्ग में, तो इन कुत्तों की बात नहीं करते, वो रोड पे मरते रहते हैं कुत्ते नहीं। हाँ, अगर आप जो पहले काम आपने छोड़ दिया अगर दोबारा से कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या बताया, तुमसे तो कुत्ता भी अच्छा है, वो खुद का ही खाता है, हम दूसरों की भी। हालेलुया, याद रखें लेकिन कुत्ते, कुत्तों में एक और एक बात होती है, किसी भी कुत्ते या किसी कुत्ती को ये नहीं पता होता कि उसका पति कौन है, उसके माँ बाप भाई बहन कौन है। किसी कुत्ते को कुछ नहीं पता। तो आजकल ये ऐसे रिश्ते लोगों में चल रहे हैं। अगर मैं खुल के बोलूं तो बताता हूँ, आजकल कोई मामा की लड़की को लेके भाग गया, उनको पता नहीं रिश्ता क्या है, कोई चाचा की लड़की को लेके भाग गया, कोई चाची को लेके भाग गया, कोई मामी को लेके भाग गया, कोई पता नहीं किसको। तो परमेश्वर ने क्या बनाया, ये कौन है, क्योंकि कुत्तों को ऐसा नहीं पता, किनको नहीं पता होता। तो परमेश्वर ने बताया कुत्ते, कुत्ते और टोने, और जो टोना करते जादूगर हैं, जो जादूगरों के पास जाते हैं, ये बाहर रह जाएंगे, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। और वे बिचारी जो व्यभिचार में फंसे हैं, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला या करने वाला बाहर रह जाएगा। यहाँ पे देखो दो बातें लिखी, झूठ का चाहने वाला भी और करने वाला भी, झूठ जो बोलता है और जो सुनता भी है, वो कहां पे रहेगा, अभी सब चुप हो गए। हालेलुया, ये भी अभी हालेलुया भी खत्म हो रहा है। हालेलुया, मैं फिर बता रहा हूं, सुन लो ये बातें, कोई नहीं बताएगा, आज सुन लो, कान खोल के तो अच्छे रहोगे, ऐसे प्रचार कोई नहीं करेगा आपके सामने, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये क्या बता सकता है, वो प्रभु यीशु जी। हालेलुया, आजकल पता प्रॉब्लम क्या है, जैसे रिश्ता करने के टाइम, रिश्ता करने के टाइम जो लड़की वाले या लड़के वाले वो क्या देखते हैं, लड़की वाले क्या चेक करेंगे, लड़के में अच्छी नौकरी चाहिए और अच्छा घर होना चाहिए और बताओ कुछ भी, मैं बताऊंगा सब, पैसा चाहिए उसके पास, है ना, वो अच्छा आदमी है चाहे नहीं, इसके बारे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही आजकल लोगों को आदत है, सेवक कैसा चाहिए, पास्टर कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, जो कभी किसी को मिलेगा, जो इधर से गाड़ी में आए उधर से सीधा निकल जाए, और लोग उसकी फोटो फेसबुक पे लेकर पापा पापा बोलते रहे। ये तो आपको बात बता दो, याद रखें अच्छा प्रचार का ढूंढना चाहिए जो प्रभु के वचन से बात करे, ढोंगे नहीं। कुछ लोग आपको ऐसा आके बोलेंगे अरे मेरे साथ चल, उधर बड़ी भीड़ है, मेरे साथ चल वो पाठ बहुत अच्छा है, मेरे साथ चल वो पाठ बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं ना, देख उसके अंदर कितनी पावर है, वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, वो उसके चेहरे पे बड़ा नूर है, वो ऐसा है वैसा है, ऐसा आपको बोलेंगे। हालेलुया, ऐसा होता है। अभी आपको हो सकता है बड़ा गुस्सा भी लगे, लेकिन सोचिए अगर आपको कोई आगे बोले अरे मेरे साथ चल, उधर देखिए एक आदमी, उसको जाके पावर
आजकल ऐसे तो हो रहा है, अरे जिसको पापा बोलना उसी को बोलो, अपने बाप को छोड़कर आप दूसरे को बाप बोलोगे जाके? अगर उसके पास 1 करोड़ आपको नाम करने का दिया हुआ है, 1 करोड़ लेके मुझे पापा बोलो, है ना? आपको पता है अगर ऐसा हो जाए तो मैं सच कहता हूं 90% लोग ये भी करेंगे, ये भी करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, आइए सब आंखों को बंद रखेंगे हम और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू सच्चा पिता है। पिता हमने जान लिया कि आगे क्या होने वाला है, पिता जी वो समय आ चुके हैं, आज भी लोगों को भरमाया जा रहा है, आज भी लोग आपके सच्चे वचन को छोड़कर ढोंगी लोगों के पीछे भाग रहे हैं, आज भी प्रभु जी लोग मारे मारे फिर रहे आपके वचन के लिए, प्रभु के आपके वचन का सचमुच काल पड़ चुका है। पिताजी मैंने आपके वचन को सुना है और मैंने जान लिया है कि आप आने वाले हो, आप मेरे लिए आने वाले हो और मैं तैयार हूं आपके लिए।